तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आपको चलिए हम दिखाते हैं बोधगया का सुजाता घर, जहाँ पर क्या हुआ था सिमरन? हाँ, यहाँ पर बुद्ध भगवान को खीर खिलाया गया था। फर्स्ट टाइम गाइस हम यहाँ पे आए और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ आप देख सकते हो कुछ पार्क जैसा बनाया गया है, और ये मेन जगह है जहाँ पर बुद्ध भगवान को खीर खिलाया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम हैं और सिमरन है मेरी सिस्टर, तो ये हमको घुमाने के लिए लेके आई है। तो आप फिलहाल यहाँ का दृश्य देख सकते हो, काफ़ी सुंदर, काफ़ी मनोरम। और देखिए कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, एक बार और आए हुए थे गाइस हम यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब लॉक था दरवाज़ा, शाम के 5 बजे आए थे। तो आज फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए वहाँ पर कुछ बतलाया जा रहा है इस जगह के बारे में, और ये जगह को बतला दें एक बार फिर से, इस जगह का नाम यह है सुजाता गढ़। सिमरन, क्या हम लोग ऊपर जा सकते हैं? नहीं, वहाँ पर नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ अलाउमेंट नहीं है जाने का ऊपर, क्योंकि वहाँ पे वो भगवान का कहते हैं कि सिर है, तो हम लोग भगवान के सिर पे तो जा नहीं सकते। और जो बुद्ध भगवान को खिलाई थी खीर, उनका क्या नाम था? सुजाता। सुजाता, इसीलिए सुजाता गढ़ नाम है ना। सिमरन बताओ मेरे बारे में। अरे हम लोकल हैं, हम विदेशी नहीं, लोकल हैं हम, उसकी वजह से ना बोली बात से लग रहा है ना। हाँ, झारखंड के दादी। देखिए गाइस, हमको यहाँ पे कुछ मांग रहा था अंग्रेज समझ कर, लेकिन हम लोग खुद ही लिया, नहीं तो क्या देंगे हम, खुद हमको चाहिए, हम क्या दे सकते हैं इन लोग। बाकी इधर से आप देख सकते हो इस जगह को, सिमरन फोटो खिंचाना बनता है यहाँ पर, ये तो चढ़ा जा सकता है इधर से। जा सकते हैं भैया, लेकिन अच्छा, लेकिन बोलेगा क्या कोई? हाँ, क्योंकि वो सिर है ना, हम लोग को पहले पता नहीं था, तो एक बार चढ़े थे। हाँ। तो बोली सुनी थी फिर? हाँ, बात तो सुनी थी। भाई साहब, तो जो पेड़ है सिमरन, हाँ। ये जो पेड़ है उसी वक्त से अभी तक है कि इसमें नया होगा? नहीं नहीं, पहले से ही है, जब यहाँ पे बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए तब ना। देखिए यहाँ पर टूरिस्ट लोग का घूमना हो गया, वो भी जा रहे हैं, और हमारा भी घूमना हो गया, और अभी भी हम थोड़ी देर में निकलेंगे और एक मंदिर आपको दिखलाने का कोशिश करेंगे। पहुँच करके पढ़ सकते हो, बाकी अभी इतना समय नहीं है हम लोग के पास। हम लोग जा रहे हैं सुजाता जो टेंपल है आगे खेतों से होते हुए, क्योंकि जो रोड का रास्ता है काफ़ी लंबा है। तो देखिए किस तरह का खेत खलियान है, और इधर देखिए खेती वगैरह पूरा किया गया। पूछो तो उससे, सुजाता गाय से जा सकते हैं? हाँ, ये वाला मंदिर जा सकते हैं गाइस। आप बिहार का हरियाली देख सकते हो, देखिए हम लोग किधर से आए थे, और जो वो है सुजाता गढ़, अभी हम लोग उधर से काफ़ी दूर आ चुके हैं खेतों खलियाने के बीच उस मंदिर को देखने के लिए। तो अभी गाइस, इससे पहले आप जो जगह देखे वो सुजाता गढ़ था, अभी हम लोग सुजाता टेंपल आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मूर्ति वगैरह स्टेचू कुछ इस प्रकार का बनाया गया। तो चलिए आपको बढ़िया से इस मंदिर का दर्शन करवाते हैं, और देखते हैं क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम खुद आए हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं पूजा करने के लिए कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बाकी इधर का आप सीन देख सकते हो, और आगे भी टेंपल है तो आगे भी हम लोग चलेंगे। बाउंड्री तड़प कर। हाँ हाँ, बोले ना, अब भीड़ लगा लगे गेटे पर, यहाँ से चढ़ जाएंगे।
चलो यहाँ से चढ़ते हैं गाइस, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। अरे बाप रे, चलो आप देखिए हमको देखने के लिए कितने बच्चे लोग आ गए यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर, और सुजाता टेम्पल घूम चुके हैं और सुजाता गढ़ भी घूम चुके हैं। अब बच्चा शिव टेम्पल मंदिर और इसे भी घूम लेते हैं। देखो कितना ज्यादा भीड़ था, इसीलिए हम लोग उधर से चढ़ के आए। देखो अभी और भीड़ अंदर बढ़ते जा रहा है। सिमरन सीढ़ी है, सीढ़ी। देखो गाइस अभी हम लोग आ गए शिव मंदिर। शिव मंदिर है ना सिमरन, बढ़िया से देखो ये रहा कुछ इस तरह का मंदिर। और ये कुछ यहाँ पे तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। और आज के दिन में आपको हमने दिखलाया सुजातागढ़ और दूसरा सुजाता टेंपल और शिव टेंपल, जो कि मेरी सिस्टर के साथ ही संभव हो पाया, नहीं तो मुझे देखा हुआ था ही नहीं। और यह कई बार आया लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह हैं जिसे एक्सप्लोर हमने नहीं कर पाया, और अभी तो और आना जाना लगा रहेगा अपना। तो कोशिश करेंगे सारा बोधगया को हर एक चीज़ दिखला सकें, बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिखला सकें। तो आज हमने काफ़ी इन्जॉय किया और यहाँ पर आए थे लास्ट शिव मंदिर, जहाँ पर शादी का समारोह भी चल रहा था एकदम। तो उसको देख कर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्या सिमरन? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको। तो गाइस अब हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और काफ़ी लोग भी मिले जो काफ़ी अच्छा लगा हमें। चलिए थैंक यू। ये जो बना है इसको क्या कहते हैं, कुटिया जैसा जो बना हुआ, क्या बोले? ये सुखाने के लिए इस तरह बना है ना। ये धान यहाँ जब मिसा जाता है तो कितना खूबसूरत से एक माचा तैयार किया जाता है, बिल्कुल घर जैसा। हम लोग की तरफ खुट्टा गाड़ कर माचा तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ काफ़ी यूनिक तरीक़े से माचा तैयार किया जाता है, काफ़ी लवली तरीक़े से, मुझे काफ़ी पसंद आया। अब ये सूखेगा तो इसे गाय खाएंगे।